जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फोरम पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की अपडेट है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर में आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिलती है, जैसे कि दोस्तों MTS की, कारपेंटर की, मेटल शीट वर्कर की, ड्राइवर की। तो इस तरह की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। अगर आप 10वीं पास हैं, अगर आप 12वीं पास हैं, या फिर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, यानी कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, उस एप्लीकेशन लेटर को कैसे डाउनलोड करेंगे, साथ ही आपकी फ़ीस क्या रहेगी, आप अपना एप्लीकेशन लेटर कैसे सेंड कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखें, स्किप बिल्कुल मत कीजिए, काफ़ी बढ़िया वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर सेट कर ले, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे चलकर हम इस नोटिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। पहले जो वैकेंसी है वो है मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की, यानी कि यहाँ पर देखिए आपका लेवल 2 का जो पे स्केल रहेगा, टोटल जनरल की एक वैकेंसी निकाली गई है। और दोस्तों, 10वीं पास आउट आपको होना चाहिए, आपके पास हैवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी उम्र दोस्तों 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में होनी चाहिए। इसी तरह से अगली जो वैकेंसी है दोस्तों, सीट मेटल वर्कर की है, यहाँ पर भी एक वैकेंसी निकाली गई है, आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी उम्र दोस्तों 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में होनी चाहिए। अगली जो है कारपेंटर की है, यहाँ पर भी एक वैकेंसी निकाली गई है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। और नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है MTS की, मोटर ट्रांसपोर्ट क्लीनर की। तो दोस्तों, यहाँ पर भी एक वैकेंसी निकाली गई है, 10वीं पास आउट आपको होना चाहिए और दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन लेटर करके, वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपको सेंड नहीं करने हैं, यानी कि आपके जो रियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको नहीं भेजने, सिर्फ फोटो कॉपीज भेजनी होंगी। अब इसके बाद बात करते हैं आपकी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई गई है। सबसे पहले आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, आपके 10वीं के, 12वीं के या फिर UG PG डिप्लोमा मार्कशीट, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो NOC सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं अगर आप एक्स सर्विसमैन है, 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो और दोस्तों 50 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगा हुआ एक ब्लैंक इनविलप, यानी कि जो ब्लैंक इनविलप हम भेजते हैं उस पर कम से कम 50 रुपये की पोस्टल स्टाम्प लगाकर आपको सेंड करना होगा और उस पर आपका पूरा एड्रेस लिखा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट जो आपको इसके साथ सेंड करने होंगे, अदर डॉक्यूमेंट है वो भी आप सेंड कर सकते हैं। अगर एड्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका एड्रेस दिया हुआ है, आप इस एड्रेस को पढ़ सकते हैं या फिर दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर लास्ट डेट की बात करते हैं तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी दोस्तों 3 जनवरी। 3 जनवरी से पहले या 3 जनवरी के दिन आपका एप्लीकेशन लेटर जो है सेंड हो जाना चाहिए, यानी कि डिपार्टमेंट के पास पहुँच जाना चाहिए। अब इसके बाद आगे चलकर आपको मोड ऑफ सिलेक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद रिटर्न एग्जाम और दोस्तों इसके बाद मेरिट लिस्ट। और यहाँ पर कुछ और जानकारी दी गई है, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर आपका एप्लीकेशन लेटर इनकम्प्लीट पाया गया या कटापटा पाया गया या फिर दोस्तों लास्ट डेट के बाद पहुँचता है या फोटोग्राफ्स नहीं पाए गए, डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए, तो दोस्तों उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका जो एप्लीकेशन लेटर है टाइम पर पहुँच जाना चाहिए, आपको आने जाने के लिए कोई भी TA या फिर DA नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो कास्ट रिजर्व सर्टिफिकेट है वो सेंड करने जरूरी है। तो दोस्तों, ये था पूरा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब इसके बाद बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, यानी कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, सिर्फ एक पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले मैं अगर डाउनलोडिंग की बात करता हूँ तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन लेटर करके, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम लिखना है, यानी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी फोटो लगानी होगी, सबसे पहले आपका अपना नाम, इसके बाद अगेन पोस्ट का नाम, इसके बाद आपकी DOB, आपकी जो DOB है और आपकी एज आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी, आपकी एज और आपकी DOB बिल्कुल सही होनी चाहिए।
फादर नेम लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपके दो अलग अलग एड्रेस हैं तो दोनों अलग अलग लिख सकते हैं या फिर सेम एड्रेस भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद मेल आईडी और फ़ोन नंबर डालने होंगे। दोस्तों मेल आईडी और जो फ़ोन नंबर है दोनों बिल्कुल सही होने चाहिए, चालू हालत में होने चाहिए, ताकि जो डिपार्टमेंट है वो आपसे आसानी से कॉन्टैक्ट करता रहे। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है, आपने 10वीं की है 12वीं की है, और उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी होगी। 10वीं की 12वीं की और अदर जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, किस ईयर में पास की थी, परसेंटेज क्या थे और किस बोर्ड से आपने पास की थी। अगर एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। जेंडर आप मेल है फीमेल है, नेशनलिटी में आपको सिर्फ इंडियन लिखना होगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो यस नो कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी एसटी ओबीसी से तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है यानी कि आप इसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आप यहाँ पर यस नो कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो निचले जो तीन कॉलम है 12, 13, 14, अगर आप इसमें यस करते हैं तो उसके साथ आपको जो सर्टिफिकेट है आपका जो प्रूफ है वो भी आपको लगाना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये डिक्लेरेशन दी गई है, यहाँ पर आपको थंब इंप्रेशन देना है, यहाँ पर आपको अपने साइन करने होंगे, यहाँ पर पहले से डेट डालनी होगी। तो दोस्तों इस तरह जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल सिंपल सा एक पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वैकेंसी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे चलकर हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।